नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। औरैया साई मंदिर के पास हाईवे पर प्राइवेट बस नंबर UP75BT2963 के संबंध में असलहे के बल पर घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त गढ़ों की गिरफ्तारी व घटना में प्रयुक्त सफारी कार व एक तमंचा, 315 एक कारतूस व 4 मोबाइल फोन व लूटे गए रुपए 38,000 बैग आदि सामान कोतवाली पुलिस को मिली सफलता। पुलिस अधीक्षक औरैया अपर्णा गौतम के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक शिव पाल सिंह व क्षेत्राधिकारी सुरेंद्र नाथ यादव के नेतृत्व में जनपद में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान में कोतवाली पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। थाना कोतवाली में वांछित चल रहे लुटेरे अपराधी लाली उर्फ सागर भदौरिया पुत्री बलवीर सिंह निवासिनी भेटाकला बैसवारा थाना लालगंज जनपद रायबरेली हाल पता स्टेडियम वाली गली तिलक नगर थाना कोतवाली औरैया मनीष कटियार पुत्र संजय कटियार निवासी खाला गाँव पोस्ट हतगमा कानपुर देहात घटना में प्रयुक्त सफारी कार सहित गिरफ्तार किया गया था। मामला सामने आया था, बताया गया था कि आपस में इनका जो है पहले से विवाद डिस्प्यूटेड था या मतलब लूट थी, क्या था ये? देखिए, औरैया सदर कोतवाली में साई मंदिर के पास में रात्रि करीब 12 बजे एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि एक बस को कुछ लोगों ने, जिनके पास असलाह भी थे, उन्होंने उसको ओवरटेक किया और गाड़ी अपनी ओवरटेक करके आगे लगाई और बस को रोका। बस में एक चालक परिचालक के साथ मारपीट करी, उनके पैसे छीने, इसके साथ ही उनके जो बस के शीशे हैं वो भी उनके द्वारा तोड़े गए। चालक परिचालक ने अपनी जो तहरीर दी उन्होंने उसमें उन व्यक्तियों की पहचान करी, जिनमें से एक महिला जिसका नाम सागर भदौरिया उर्फ लाली है और एक व्यक्ति जिसका नाम मनीष कटियार है, उनकी पहचान महिला द्वारा की गई और ये सॉरी जो चालक परिचालक है उनके द्वारा की गई और उन्होंने नामजद मुकदमा इन सभी लोगों के विरुद्ध दर्ज कराया जिसमें एक्सटॉर्शन और लूट की धाराएं हमारे द्वारा लगाई गई थी। इस संबंध में विद इन 24 आवर्स कोतवाली पुलिस द्वारा इस गैंग को ट्रेस किया गया, जो लोग इनके साथ में आए थे उनको भी ट्रैक किया गया और एक गाड़ी जिसका प्रयोग इन्होंने इस घटना को कारित करने में लगाया था उसको भी बरामद किया गया है और दो जो लोग हैं उनको हमारे द्वारा इसमें अरेस्ट भी किया गया है जिसमें से एक महिला शामिल है। जो मुलजिमों से पूछताछ हुई तब उन्होंने बताया कि इनका पूर्व में एक विवाद था और इसी के लिए कशीदगी चलती हुई आ रही थी, क्योंकि पूर्व में दोनों बसेस का संचालन करते रहे हैं और इसी के कारण इन्होंने एक मैसेज पहुंचाने के लिए और एक सबक सिखाने के लिए उनके साथ इस घटना को कारित किया है। पूछताछ में और भी जानकारी प्राप्त हुई कि पहले भी जो ये महिला है वो एक्सटॉर्शन के मुकदमे में जेल जा चुकी हैं और लगातार तब से ये घटनाएं छोटी मोटी इस तरीके से कारित करती रही और अब जो पुलिस है उन्होंने इनको ट्रेस भी किया है और इनकी जो भी सुसंगत धाराएं हैं उसमें इनको न्यायिक अभिरक्षा में दिया जा रहा है। मैम, सवारी के साथ भी वहां कोई सामान? देखिए, जो चालक परिचालक ने बताया है उन्होंने ये बताया कि उनके मोबाइल फोन्स भी लिए गए थे और साथ में जो कुछ मनी जो कि सवारी के किराए का वो लोग रखते हैं वो भी उसमें लिया गया था और उसी की पुष्टि उनके द्वारा जो FIR ली गई है उसमें भी की गई है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज।